कैंटिलीवर असेंबली के विषय में जानेंगे। कैंटिलीवर यह एक इंसुलेटेड स्विलिंग टाइप असेंबली है जो कि विभिन्न साइज की जीआई ट्यूबों से मिलकर बनी हुई है, जो ओइची की कैटनरी सिस्टम को ना केवल सपोर्ट करती है बल्कि यथास्थान बनाए रखती है और पिंटोग्राफ को करेंट कलेक्शन में सुविधा प्रदान करती है, चाहे स्पीड कितनी भी हो। यहाँ कैंटिलीवर असेंबली उच्च गति यानी हाई स्पीड का एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें पार्ट्स को नंबर देकर उसी नंबर अनुसार लिस्ट वहां लिखी हुई है। सबसे पहला है ट्रैक्शन मास्ट, इसके बाद दूसरा नंबर है स्टे इंसुलेटर। ये स्टे इंसुलेटर एक तरफ से हुक होता है और एक तरफ स्टी ट्यूब में लगा हुआ होता है। तीसरा है बीटी इंसुलेटर, ये बीटी इंसुलेटर तिरछा लगा हुआ होता है और उस पे स्ट्रेस लोड होता है, पूरा ओइची का भार इसी इंसुलेटर पे होता है। चौथा नंबर है स्टेट ट्यूब, यह बैलोनेस की एक ट्यूब होती है जिसका इनर डाया 28.4 mm तथा आउटर डाया 33.7 mm होता है। इसके बाद ब्रैकेट ट्यूब, यह लार्ज ब्रैकेट ट्यूब का इनर डाया 40 mm और आउटर डाया 49 mm होता है। यह भी जीआई की बनी होती है। इसके बाद यह है स्टे स्लीव, यह स्लीव एसटी ट्यूब पर पूरी चढ़ी होती है, इसके होल इसमें थ्रू होते हैं। और सातवां नंबर जो स्टेस एडजस्टर है उसको साथ में पकड़ के रखती है और एसटी ट्यूब की लंबाई को कम या ज्यादा करने में सहायता प्रदान करती है। यह स्टे स्लीव है जिसे बोलचाल की भाषा में लोग टीटी स्लीव के नाम से जानते हैं। जीआई की बनी होती है जिसका आरआई नंबर 2403-1 होता है। यह पूरी तरह से एसटी ट्यूब पर चढ़ी हुई होती है और इसमें दो नट बोल्ट होते हैं जो कि पॉइंटेड होते हैं कुछ इस तरह, और टीटी स्लीव में से आर पार जाकर एसटी ट्यूब में से निकलकर वह स्टे एडजस्टर के ऊपर टाइट होते हैं और इसकी सहायता से टीटी स्लीव, स्टे ट्यूब और स्टे एडजस्टर एक साथ बंधे हुए होते हैं। सातवां है स्टे एडजस्टर, एक सॉलिड चीज है जिसमें 3-3 सेंटीमीटर के दूरी पर काउंटर होल बने हुए होते हैं जो कैटनरी के स्ट्राइकर एडजस्ट करने के लिए आगे या पीछे हो सकता है। उसी की आईपीस में ब्रैकेट सस्पेंशन लगा हुआ होता है। यह ट्यूबलर स्टे एडजस्टर है जो कि सॉलिड होता है, सामने में आईपीस बनी होती है और 12 काउंटर होल होते हैं जो कि एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर दूरी पे होते हैं। इसमें एक टीटी स्लीव कुछ इस तरीके से पूरी हुई होती है और ये दोनों नट उसमें जाकर टाइट होते हैं और इसके बीच में एसटी ट्यूब आती है। इस तरीके से ये टीटी एडजस्टर आगे पीछे होकर कैटनरी स्ट्राइकर को एडजस्ट करने में हमें सहायता प्रदान करता है। फिर आठ नंबर आता है मास्ट अटैचमेंट
फिटिंग फॉर हुक इंसुलेटर। यह मास फिटिंग फॉर हुक इंसुलेटर है क्योंकि टोटल 13 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, लेकिन इसकी इफेक्टिव लेंथ क्योंकि इसमें एसटी इंसुलेटर स्टे इंसुलेटर लगता है, सो 10 सेंटीमीटर ही इसकी इफेक्टिव लेंथ आती है। इसमें एसटी इंसुलेटर पुराने के लिए ऊपर में एक ग्रू दिया गया है, ये दिखाई देता है यहाँ, जिसका ऊपर होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये ग्रू नीचे रह गया ऐसा, सो इंसुलेटर इसमें से निकलने की कोशिश कर सकता है, निकल सकता है। इसलिए जब भी इसको आप टाइट करो, ये ग्रू ऊपर होना अत्यंत आवश्यक है। 9वां नंबर है रजिस्टर आर्म हुक, जिसे बोलचाल की भाषा में लोग सी क्लैंप भी कहते हैं। इसके हुक में रजिस्टर आर्म लगी हुई होती है। यह रजिस्टर आर्म हुक है जिसका कि RI नंबर 2160-1 है। इसमें एक खास बात होती है जो मैं आपको इस खुले हुए पीस में बताना चाहता हूँ। ये इसका ऊपर का पीस है जिसमें एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक पॉइंट बनाया गया है। सो एक ही तरफ पॉइंट है, दूसरे तरफ प्लेन है। ऐसे ही नीचे के हिस्से में एक तरफ पॉइंट है और दूसरे तरफ प्लेन है। यदि आपने इसको असेंबल करते टाइम दोनों पॉइंट एक जगह कर दिया, सो एक जगह गैप मेंटेन हो जाएगी और दूसरे जगह ये चिपक जाएगा, और ऐसे पोजीशन में यह BT ट्यूब पे मजबूती से टाइट नहीं होगा। इसलिए हमेशा जब भी इस चीज़ को खोले या लगाए असेंबल करें तो ये ध्यान रखें कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में हो, दोनों अलग हो, कुछ इस तरीके से आप टाइट करेंगे। सो यहाँ ये दोनों गैप जो है इक्वल रहेगी और ये मजबूती से BT ट्यूब पे टाइट होगा। 10 नंबर है ड्रॉप ब्रैकेट पार्ट, ये इसका करेक्ट टेक्निकल नेम है, जिसे अक्सर लोग बोलचाल की भाषा में एल क्लैंप करके बोलते हैं। यह RT ट्यूब में एक नट की सहायता से कसा हुआ होता है, और जब हम स्टैगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसे यूज करके आगे या पीछे करने से कॉन्टेक्ट वायर का स्टैगर एडजस्ट होता है। ये ड्रॉप ब्रैकेट पार्ट है, इसके बीच में से इधर आरटी जाती है और एक नट बोल्ट की सहायता से वो टाइट होता है। साधारणतः लोग इसे एल क्लैंप के नाम से जानते हैं, जिसका RI नंबर 2361-1 है। इसमें यहाँ नीचे एक ग्रू होता है जिसमें से स्टेडी आर्म फंसा के इसमें लगाया जाता है, और स्टेडी आर्म का पीछे का हिस्सा इस पॉइंट के ऊपर रेस्ट होने के बाद यह RT को भी लेके उठता है। जब भी पिंटो का प्रेशर पड़ता है सो कॉन्टैक्ट वायर के साथ स्टेडी आर्म भी ऊपर जाता है। अगर वो ज़्यादा अत्यधिक ऊपर गया तो इस पॉइंट पे लॉक होकर उसके बाद में एल क्लैंप को भी ऊपर उठाता है। यदि ये चीज़ ना हो तो स्टेडी आर्म तो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन पिंटो क्राफ्ट का पैन एल क्लैंप को हिट कर सकता है। इसलिए एल क्लैंप और स्टेडी आर्म का प्लम्ब होना और इस पॉइंट का बहुत महत्व है। 11 नंबर है रजिस्टर आर्म, जिसे लोग RT ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसका भी इनर डाया 28.4 और आउटर डाया 33.7 होता है, GI की बनी होती है और पैरेलल टू ग्राउंड होती है ड्रॉपर की सहायता से, जिसमें ये ड्रॉप ब्रैकेट पार्ट नट बोल्ट की सहायता से लगा होता है और उसमें आगे स्टेडियम लगा रहता है जो कि कॉन्टैक्ट को होल्ड करता है। इसके बाद 12 नंबर है BFD आर्म क्लैंप, जिसे लोग IPs के नाम से जानते हैं। यह एक सॉलिड असेंबली है जो कि
आरटी में पीछे विभिन्न की सहायता से एल्यूमिनियम विभिन्न की सहायता से लगाई जाती है और वो आरटी को प्रतिष्ठान रूप में बनाए हुए रखती है। 13 नंबर है एंटी विंड क्लैंप। हवा के प्रेशर से अगर ब्रैकेट की कोई असेंबली स्विल होती है या उसमें कोई खराबी उत्पन्न ना हो, इसलिए एंटी विंड क्लैंप को लगाया जाता है। यह एंटी विंड क्लैंप है जो कि नीचे का बॉडी एल्यूमिनियम का होता है और ऊपर जीआई का होता है। यह नीचे का हिस्सा स्टेडी आर्म में फंसता है और इसके बीच में से आरटी ट्यूब जाती है। इसका आरआई नंबर 2550 होता है, 3 साइजेस में आता है और स्टेडी आर्म और आरटी को एक साथ बनाए रखता है। विंड प्रेशर से जो भी खामियां ब्रैकेट में उत्पन्न होगी उसको रोकता है। 14 नंबर है पीएफबी स्टेडी आर्म। यह एल्यूमिनियम का बना हुआ एक आईपीस होता है जो कॉन्टेक्ट वायर को हमेशा अपनी ओर खींच के रखता है, स्टैगर मेंटेन करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद 15 नंबर है मास ब्रैकेट फिटिंग, जिसे लोग जनरली बॉटम फिटिंग के नाम से जानते हैं। यह फिटिंग मास पे स्टेबल लगी होती है और इसके आगे से यह स्लीव होने में सहायता प्रदान करती है, जिसके अंदर में ब्रैकेट ट्यूब लगा हुआ होता है। यह मास ब्रैकेट फिटिंग है जो कि मास पे टाइट होती है और इसका आरआई नंबर 3070 है और इस क्लीविस की सहायता से इसमें आगे में स्नैप पिन की सहायता से बीटी इंसुलेटर फंसा होता है और इस क्लीविस की सहायता से वो ऑक्सीलेट होता है टेम्परेचर वेरिएशन पे। इसके बाद 16 नंबर है स्टैगर। यहाँ आप जो लाइन वर्टिकल आपको दिखाई दे रही है, ये है ट्रैक सेंटर या कैटनरी का सेंटर। उससे 200 एमएम दूर कॉन्टैक्ट वायर दिखाया गया है और इसे एस स्टाइगर के नाम से जाना जाता है। यदि ये माइनस का ब्रैकेट है तो ये मास्क के तरफ ऐसा माइनस दिखेगा और अगर प्लस का ब्रैकेट है तो मास्क से दूर, ट्रैक सेंटर से 200 एमएम दूर कॉन्टैक्ट वायर होगा। यह डॉटेड में जो डायग्राम दिखाया जा रहा है यह प्लस के ब्रैकेट का डायग्राम है। इसके बाद 17 नंबर है कैटनरी सस्पेंशन ब्रैकेट, जो यू बोल्ट की सहायता से बीटी ट्यूब में कसा हुआ होता है। इसके ऊपर एक हुक होता है जिसमें स्टे एडजस्टर फंसा हुआ होता है और इस तरीके से एसटी ट्यूब और बीटी ट्यूब आपस में एक दूसरे से बंधी होती है। यह लार्ज ब्रैकेट सस्पेंशन है जिसका आरआई नंबर 2130 है। ऊपर में एक हुक दिया होता है जिसमें स्टे एडजस्टर लगा होता है और नीचे में यहाँ पर कैटनरी सस्पेंशन लगा होता है और यू बोल्ट की सहायता से यह बीटी ट्यूब में टाइट किया हुआ होता है। इसी क्लैंप की मदद से एसटी ट्यूब और बीटी ट्यूब एक साथ जुड़ी हुई होती है। और ब्रैकेट सस्पेंशन के नीचे में 18 नंबर होता है सस्पेंशन क्लैंप, जिसमें यू बोल्ट की सहायता से कैटनरी वायर फंसा हुआ होता है और ओची का पूरा लोड ब्रैकेट पे इसी पॉइंट पे दिया हुआ होता है। कैटनरी ही ड्रॉपर की सहायता से कॉन्टैक्ट का लोड उठाए रखती है और इस कैटनरी सस्पेंशन में यू बोल्ट की सहायता से बंधी हुई होती है। यह कैटनरी सस्पेंशन है
कैटनरी सिंगल सस्पेंशन, जिसमें दो स्टील के यू बोल्ट दिए हुए हैं जिनके बीच में से कैटनरी वायर जाता है, और यह कैटनरी ब्रैकेट सस्पेंशन के नीचे में कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है जिसमें से कैटनरी पास होती है और ये कैटनरी का पूरा लोड कैंटिलीवर पे आता है। इसका RI नंबर 1160 है। इसके बाद 19 नंबर है, उसमें का कैटनरी वायर जो कि यू बोल्ट की सहायता से कैटनरी सस्पेंशन में फंसा होता है और ओजी का पूरा लोड उठाए रखता है। 20 नंबर है रजिस्टर आर्म ड्रॉपर, यह 7 mm मोटा सॉलिड कॉपर वायर होता है जो BT क्लिप और RT क्लिप के सहायता से RT को पैरेलल टू ग्राउंड बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। यह RT क्लिप है जिसका कि RI नंबर 2481-1 है। इसमें से RT ट्यूब के ऊपर ये टाइट होती है और ऊपर से जो BT के पास से जो इंक्लाइन ड्रॉपर से मैंने माता है वो बीच में रखकर ये टाइट होती है। साथ में एक स्प्लिट पिन डाला जाता है ताकि ये नट खुले ना। इस नट बोल्ट में होल होता है स्प्लिट पिन डालने के लिए। इसका टाइट होना बहुत ज़रूरी है। यदि यह RT क्लिप में स्लिप होने लगे तो RT नीचे आ जाएगी, स्टडी आर्म भी नीचे आ जाएगा, उसमें बंधा हुआ इंक्लाइन भी नीचे आ जाएगा और वो पिंटो को हिट करेगा। इसलिए इसका मजबूती से अपनी जगह पे टाइट होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको मेंटेनेंस के दौरान कोई क्लिप ढीली दिखाई दे या उसमें किसी किस्म की पैकिंग लगाई हुई दिखाई दे तो उसे तुरंत निकाल दें और नई मजबूत क्लिप मजबूती से उसमें टाइट करें। 21 नंबर है ड्रॉपर क्लिप जो कि GI की बनी होती है और BT ट्यूब में 16-50-38 के नट बोल्ट की सहायता से टाइट होती है, जिसके साथ में ड्रॉपर लगता है जो कि RT को पैरेलल बनाए रखता है। यदि माइनस का ब्रैकेट होगा तो BT में ड्रॉपर क्लिप लगेगी और कुछ इस तरीके से ड्रॉपर रहेगा, लेकिन यदि प्लस का ब्रैकेट है या डॉटेड में हमने प्लस का ब्रैकेट दिखाया है, प्लस का स्टाइगर दिखाया है, सो फिर ड्रॉपर लंबा लगता है। RT क्लिप तो लगेगी ही, लेकिन ये ड्रॉपर सीधा कैटनरी सस्पेंशन के नीचे में जाके लगेगा और इस तरीके से फिर भी RT को पैरेलल बनाया जाएगा। ड्रॉपर क्लिप फॉर लार्ज बी टी के लिए ड्रॉपर क्लिप है जिसका कि RI नंबर 2277 है। यह BT ट्यूब में टाइट होती है और इस गैप में से 7 mm ड्रॉपर वायर जाके RT को RT क्लिप की सहायता से पकड़ता है। इस तरीके से कैंटिलीवर के मुख्य रूप से 21 पार्ट होते हैं जिन्हें यहाँ बताने की हमने कोशिश की।